दर्शक की बड़ी खबर आ रही है क्रिकेट की दुनिया से और बड़ी खबर है बीसीसीआई के लिए, बड़ी खबर है खेल प्रेमियों के लिए भी। पूर्व सीएजी विनोद राय बीसीसीआई के नए बॉस बन गए हैं, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बीसीसीआई के लिए विनोद राय की अध्यक्षता में चार प्रशासकों की नियुक्ति की है। बीसीसीआई का कामकाज संभालने के लिए पैनल बनाया है। विनोद राय सीएजी यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू नहीं करने पर, आपको याद होगा, अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई के अध्यक्ष पद और अजय शिर्के को सचिव पद से हटा दिया था। आईडीएफसी के चेयरमैन विक्रम लिमिये भी पैनल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई का कामकाज संभालने के लिए पैनल बनाया है। पूर्व सीएजी विनोद राय पैनल की अध्यक्षता करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चार मेंबर्स का ये पैनल बनाया है, या यूं कह लें कि एक प्रशासकों का पैनल है, एडमिनिस्ट्रेटर्स का पैनल है। विनोद राय की अगुवाई में रामचंद्र गुहा, आईडीएफसी के चेयरमैन विक्रम लिमिये और डायना एडुलजी प्रशासकों में होंगे। विक्रम लिमिये और अमिताभ चौधरी बीसीसीआई की तरफ से आईसीसी की मीटिंग में जाया करेंगे। प्रशासक ये देखेंगे कि लोढ़ा पैनल की कितनी सिफारिशें लागू की गई हैं और कितनी नहीं। केंद्र सरकार ने चूंकि अपनी तरफ से भी कई सिफारिशें की थी, प्रशासकों की कमेटी चार हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। अगली सुनवाई 27 मार्च को है।